मुरादाबाद में क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे लोगों को परेशान किए जाने वाली सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने के बाद मुरादाबाद के नागफनी इलाके में सरकारी टीम पर हमला होना एक वजह बना है। लिहाजा मुरादाबाद पुलिस ने अफवाह के खिलाफ एक तरह के अभियान चलाकर क्वारंटाइन में रह रहे लोगों का क्या हाल है पहल करते हुए खुद फोन करके क्वारंटाइन में रहने वाले मोहनीश इसरार से बात की, जिन्होंने फोन पे बताया कि उन्हें अंदर कोई परेशानी नहीं है, नाश्ता खाना पीना सब कुछ बढ़िया और समय से मिल रहा है, कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। आपको बता दें कि इसका वीडियो बनाकर मुरादाबाद पुलिस द्वारा जनहित में वायरल किया जा रहा है ताकि अफवाहों से बचे रहे। क्वारंटाइन में रह रहे नदीम ने तो वीडियो के माध्यम से अंदर की व्यवस्था के बारे में बताते हुए बाहर फैलाई जा रही अफवाहों का खंडन किया है, साथ ही सरकार व सरकारी मशीनरी का सहयोग करने की भी सभी से अपील की है। उन्होंने कहा कि जो लोग क्वारंटाइन में परेशान करने की बात बोलते हैं वह गलत है। क्वारंटाइन में रहने वालों से अंदर की व्यवस्थाओं की ये जानकारी आम व्यक्तियों ने नहीं बल्कि खुद मुरादाबाद पुलिस ने फोन से अलग अलग लोगों से बातचीत करने के बाद अंदर की सच्चाई लोगों तक पहुंचाई है। पुलिस द्वारा बातचीत को सार्वजनिक कर ये बताने की कोशिश की गई है कि आखिर क्वारंटाइन के अंदर की सच्चाई क्या है। मुरादाबाद से संवाददाता बाजिद अली की रिपोर्ट। मैं मोहम्मद नदीम उत्तर प्रदेश जिला मुरादाबाद महल सराय का रहने वाला हूँ। हमें 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया गया है। हमारी मस्जिद में एक जमात आई थी जिसके साथ हमने नमाज पढ़ी, उसके टच में आने की वजह से हमें 3 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि जो लोग प्रशासन मेडिकल टीम्स और सिविल डिफेंस वगैरह से जो ये गलत व्यवहार कर रहे हैं, मेरी प्लीज़ आप लोगों से दरख्वास्त है कि उनके साथ ऐसा नहीं करें, क्योंकि वो लोग अपने घर से दूर रहकर हम लोगों के लिए हमारे घर पर आकर हमें चेकअप के लिए अपने साथ लेकर जा रहे हैं। प्लीज़ मेरी आपसे विनती है उन लोगों के साथ ऐसा व्यवहार ना करें, क्योंकि वो लोग अपने घरों से दूर रहकर अपने बच्चों से अपनी फैमिली से दूर रहकर हमारे लिए अपनी जान की बाजी लगाते हुए सड़कों पे हमारे घर तक आ रहे हैं। और आप लोग खुद सोचिए, अल्लाह ना करे अगर हमें कोरोना है और हम उस कोरोना को छुपाकर बैठे हैं या हम सामने नहीं आ रहे, तो उसमें हमारा अपना नुकसान है। आप खुद सोचिए, अल्लाह ना करे अगर हमें कोरोना है तो हमारे ज़रिए हमारी फैमिली को, हमारे आस पड़ोस को और हमारे जो भी हमसे रिश्तेदार या कोई भी मिलेगा तो वो उस कोरोना की चपेट में हमारे ज़रिए आ जाएगा। तो मेरे भाई, हम अपने रिश्तेदार को, अपनी फैमिली को खुद मौत के मुँह में धकेल रहे हैं। इसलिए अगर टीम आए तो आप तुरंत उनके सामने आएँ और अपना चेकअप कराएँ। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, हम 7 अप्रैल को यहाँ क्वारंटाइन हुए थे मुरादाबाद में MIT कॉलेज, यहाँ गर्ल्स हॉस्टल में हम लोग हैं। 7 तारीख से आज हमें 10 दिन कंप्लीट हो गए। अल्लाह के फजल से ना हमें पानी की परेशानी है, ना खाने की परेशानी है, हमें किसी चीज़ की परेशानी नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर हुआ कि जिस दिन हम यहाँ पर आए तो हमसे हमारे कुछ आने के कुछ टाइम बाद हमसे हमारे मोबाइल ले लिए गए, जिसकी वजह से हमें परेशानी हुई, हमारी फैमिली को भी बहुत परेशानी हुई। हालांकि इनको बताना चाहिए था कि हमारे मोबाइल इतने दिन के लिए लिए जाएंगे, कोई शक नहीं, जब हम यहाँ पर आ गए हम आपको अपना मोबाइल भी देंगे और बिल्कुल आप चेक करिए आपको जैसे चेक करना है, लेकिन थोड़ा सा समय दीजिए जिसको लेकर आएँ वो अपने घर पर बता दें। और दूसरी बात कि बाहर ये अफवाहें चल रही हैं कि ब्लड निकाल रहे हैं या कोरोना का इंजेक्शन लगा रहे हैं या ऐसा मेडिसिन दे रहे हैं, मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन हम आए हैं सिर्फ हमारा एक टेस्ट हुआ है, एक रुई की पुरती बनाकर इन्होंने हमारे नाक में डाली और एक रुई की पुरती हमारे हलक में डाली और वो सिर्फ टच करके निकाल दी गई, उसमें सिर्फ कुछ ही सेकेंड लगे और ये हमारा टेस्ट लेकर सैंपल लेकर वो चले गए।
जिसके बाद हमारा टेस्ट अल्लाह के फजल से नेगेटिव आया है। और मेरे भाई ये हमारी हिम्मत जो बढ़ी है, ये मैं अब शुक्रगुजार हूँ अपने चौकी बिरबारी सुमित कांजला सर का, जो हमारे चौकी हमारे दरोगा हैं, जिन्होंने हमसे बहुत ही एक फ्रेंड बनकर हमसे बात करी, जिससे हमारा हौसला बढ़ा और उन्होंने हौसला बढ़ाया, जिसकी वजह से हमने अपने आप को और आसानी से पेश कर दिया। और मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ के स्टाफ का, मेडिकल स्टाफ का, प्रशासन का और पुलिस का और अपनी यूपी गवर्नमेंट का, जो इतने अच्छे से हम लोगों को क्वारंटाइन करा रही है और अभी तक हमें कोई यहाँ परेशानी नहीं है। हर चीज़ हमें टाइम पर मिल रही है, नाश्ते में भी एक फ्रूट्स वगैरह आता है, किसी दिन बटर भी आता है, बहुत अच्छा नाश्ता, बहुत अच्छा खाना। तो इसलिए मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ किसी भी प्रशासन के ऊपर ऐसा गलत व्यवहार ना करें। वो हमारे घर पर आ रहे हैं, सिर्फ हमारे लिए आ रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम। मुरादाबाद गलचई चांद वाली मस्जिद से हमें अभी लाया गया है कोरोना के चक्कर में। हमारे भाई 2 महीने पहले जमात में गए थे, 40 दिन की, उन्हें 8 तारीख में उठा लिया था पुलिस ने, बुलाया था फ़ोन करके कि भाई आपको चेकअप होगा। चेकअप में रिपोर्ट आई थी कि ठीक हैं। आज 13 तारीख में बोलते हैं कि रिपोर्ट सही नहीं है, उन्हें कोरोना पाया गया है। तो पुलिस प्रशासन हमारे घर आया आज, हमसे पहले पूछताछ करके ले गए थे। फिर रात के 1 बजे आते हैं पूरी फोर्स कि अभी चलना है तुम्हें। हमने हमसे बतेरा कहा कि हम छोटे छोटे बच्चे हैं, नींद से जागेंगे, परेशानी होगी, तो हम सुबह चलेंगे आपके साथ। उन्हें नहीं, अभी चलना है। तो हम इनके साथ आ गए हैं यहाँ दिल्ली रोड टीमियों से आगे है ये रमन पब्लिक स्कूल। अब यहाँ पर लाके हमें छोड़ दिया है, अलग अलग रूमों में हैं सब, ना कोई पानी है, ना कुछ खाने का है, छोटे छोटे बच्चे हैं। अब इनकी बच्चे की आदत है दूध पीने की, पानी मांगने की, बिस्कुट खाने की, रात में पानी पियेंगे, दूध मांगेंगे, कहाँ से लाएंगे इन्हें हम। अब अभी हमने प्रशासन से कहा, बाहर लोग थे हमारी एंट्री जहाँ हुई है, कि हमें पानी दे दीजिए आप, पानी तो बच्चे पियेंगे, रात में गर्मी है। बोले हमारे पास कोई पानी नहीं है। अब बताइए, हम यहाँ पर आ गए आपके कहने से, हालांकि हम कोई बीमार नहीं है, ना हमें कोई कोरोना है अल्लाह करे, ना हमारी फैमिली में किसी को है। हमने ये भी कहा था उनसे कि हमें कोई बीमारी नहीं है, और होगी तो हम कोऑपरेट करेंगे आपको, ये तो उसके लिए तो हम तैयार हैं। क्या हम कोई बीमारी नहीं है तो हमें क्यों लाया जा रहा है? अब लाके हमें यहाँ छोड़ दिया गया है, रात के 3 बजे हैं अभी। हमने पानी मांगा, पानी नहीं है, बच्चे पानी मांग रहे हैं, हम कहाँ से उन्हें दें? तो भाई ये वीडियो शेयर करें, हमारी मदद करें, हमें तो कोई कोरोना नहीं है। और हमारी गवर्नमेंट से भी ये अपील है कि गवर्नमेंट कम से कम निर्णय सही ले। योगी जी से भी यही अपील है हमारी, नरेंद्र मोदी जी से भी यही अपील है, वो देश के वजीर आला हैं, कि जो भी फैसला लें अच्छा ही लें। हम गरीब आदमी हैं, हम कैसे कैसे करेंगे, उससे ज़्यादा हम यहाँ बीमार हो जाएंगे। जो अब फिट हैं हम, उससे ज़्यादा हम बीमार हो जाएंगे। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारा कौन देखने वाला है, बताइए आप। ये अब हमारी पूरी अपील है साहब जनता से, और पूरी सरकार से अपील है कि ऐसा हमारे साथ जुल्म ना करें, क्या हमें इतनी परेशानी में डाला जा रहा है, या हम कोई बीमारी नहीं है तो हमें परेशानी में क्यों डाला जा रहा है? अब बताइए, अपना घर था छोड़ कर यहाँ डाल दिया हमें परेशानी के लिए, हम कोई बीमारी भी नहीं है, इससे क्या होगा? तो इसलिए मेरी अपील है भाई, लोग हमारी मदद करें और हमारा ध्यान। हेलो जी, इसरार भाई बोल रहे हैं? जी जी, हाँ बोल रहा हूँ जी, मैं दरोगा जी बोल रहा हूँ, चौकी इंचार्ज बरबलान, राशिद अली खान। अच्छा अच्छा, राशिद भाई, अस्सलाम वालेकुम। वाले सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं भाईजान? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आप कहाँ रुके? IIFTM में, MIT में? हाँ ना, IIFTM में जहाँ पर आए थे हम 22 लोग, एक साथ जो आए थे। अच्छा, वो जो हम लोगों ने भेजे थे। आपने जो, आप ये बताइए, कोई परेशानी तो नहीं है खाने पीने की? कोई ना खाने पीने की कोई परेशानी, बस वो एक बहुत चाय का सामान नहीं मिलवाया आपने स्टाफ से कहा था, मगर वो मुहैया नहीं पाया। खाना तो अलग फसल तो सब ठीक आ रहा, तीनों टाइम आपका ये वो सब मिल रहा है, बढ़िया मिल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? खाना बहुत अच्छा मिल रहा है, जो बात है, खाने की कोई शिकायत नहीं है। बस वो स्टाफ से बोला था चाय का सामान जरा भेज दे, तो वो नहीं आया चाय का सामान। अच्छा ठीक है ठीक है, चलो। और यहाँ घर तो राशिद भाई छुट्टी का क्या रहेगा हमारा? छुट्टी जल्दी हो जाएगी भाईजान, ये सब आप लोगों के, आपके परिवार है, मोहल्ले की सेहत के लिए जरूरी है, अल्लाह का शुक्र है आप लोग। नहीं हाँ, वो तो अच्छी बात है, ये सही बात है भाई, आपने कहा तो हमने कोऑपरेट किया, अच्छी बात है, हमारे फायदे की नहीं कर रहे हैं आप लोग, अपनी जिंदगी
दाव बोला आगे हमारे नहीं कर रहे हैं, सब कुछ इकरार भाई बिल्कुल बिल्कुल कि सिर्फ आप लोगों के लिए ये डॉक्टर हम लोग सब परेशान है, ये फैलने वाली बीमारी है ना, अगर खुदा किसी को इन्फेक्शन हो या कुछ हो तो उन्हें अलग रख दे तो कम से कम उसको ये तो हो जाएगा, मोहल्ले में और परिवार के लोग महफूज रहेंगे और समय रहते उनका इलाज विलाज बढ़िया हो जाएगा। समझदार लोग समझ रहे हैं लेकिन बेवकूफ लोग गलत हाँ, वो कुछ अफवाहें ज्यादा उड़ रही है, फजूल बातें चल रही है, चक्कर में लोग जरा क्या क्या कर रहे हैं। अल्लाह ताला भैया ये तो आप हम अपने आप परिवार को छोड़ के हम लोगों की खिदमत में लगे हुए हैं, अपनी जिंदगी आप लगा के हम महसूस कर रखा है, सेफ्टी की जगह पहुँचा रखा है। बताइए आपको कोई थाना नहीं कोई चौकी नहीं, बढ़िया जगह पहुंचा रखा नहीं, है सब नहीं, नहीं, नहीं। आ, तो जहाँ 20-30 लोग होते हैं तो थोड़ी बहुत खाने में देर अवेरी तो हो जाती है ना, कोई बात नहीं, काम भी खाना भी टाइम से मिल रहा, एक दिन हो गई थी देरी सब मतलब नहीं था बैठने वाला तो हमें कोई शिकायत नहीं है, हो जाता है घरों में देर हो जाती है ये कोई मसला थोड़ी है। जी जी बहुत बल्कि हमसे रिश्तेदारों का फोन आया, हमने कहा नहीं अल्लाह का फजल है कोई परेशानी ना, सब खाना वाना पानी वानी सब मिल रहा है टाइम से। चलिए कोई घर परिवार में कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे बता दीजिए, ठीक है। और ना ना ठीक है, हमारी एरिया का बीवी जो थोड़ा कह रही थी कब आओगे, मिलकर देखो बातचीत चल रही है, हमारे रिपोर्टर आ रही है डॉक्टर हुक्म होगा। नहीं नहीं जल्दी, जब ये इसका एक पीरियड होता है ना, एक टाइमिंग होती है, वो टाइमिंग जब रिस्क खत्म हो जाएगी आपको तुरंत एक चार दिन में तो एक दिन में बुलवा लिया जाएगा, कोई परेशान ना हो, और किसी को कोई दिक्कत हो आप मुझे बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ठीक है परिवार में कोई किसी को प्रॉब्लम हो बता दीजिए, कह देंगे जी 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 बता दीजिए, परिवार के 5 दिन के लिए और जमात में चले गए क्या है, वैसे भी तो जाते हैं। हाँ और क्या वो मतलब नहीं है, बस ये अपना ये है ना, आप अगर देखिए आप महफूज हैं तभी आगे भी एक सिलसिला इबादत का चलेगा, आप महफूज हैं आप सही हैं, आप सही हैं तो आपका परिवार सही है, क्योंकि फैलने वाला मसला है फिर मोहल्ले के लिए भी जरूरी है। हाँ ना सही बात, मैं बल्कि सोच रहा था मैं कल सोच रहा हूँ यार जुनेद भाई से फोन करके पूछूं कि हमारी छुट्टी का क्या रहा, कब हम लोग जल्दी जाएगा भाई, इसकी एक समय सीमा होती है, मुझे लगता है मैं आज डॉक्टर साहब से बात करूंगा, जल्दी टाइम उसका हो जाएगा परेशान। हाँ देख लीजिएगा परिवार के लोग मतलब हमारी बीवी कह रही थी बोले आ जाओ, ऐसा लग रहा है बहुत देर हो गया, मैंने कोई मतलब ना परेशानी समझ जा रहा है, आप समझाए रहिए, समझाया मैंने उनको। हाँ ठीक इंशाल्लाह, मैंने उनसे कहा ठीक है, हाँ देख लीजिए आप करा दीजिए, अगर हो जाए आजकल में हम चले जाए तो बहुत खुशी की बात है, वरना जब तक तो डॉक्टर लोगों का बस भाई मेरे साथ में है ना नलवाली में, ऐसा ना डॉक्टर की जेरे निगरानी में है ना, आप जब महफूज समय समझेंगे आपको भेज देंगे, आप परेशान ना होंगे, ठीक है। अच्छा अच्छा ठीक है बहुत अच्छी बात है, वो वसीम भाई जो वो मेरे रूम में है नलवाली मस्जिद की, वसीम जी वसीम अहमद जो है वो भी मेरे साथ रूम में है, वो भी अलहमदुल्ला ठीक है, अपने पूछ रहे थे मैं चलो बहुत खुशी, ठीक है भाई जान ये तो अच्छी बात है, हम सब लोग रूम हमारे सब बराबर और मैं सब जो आपने बोल के चलो बहुत बढ़िया, अल्लाह पाक सब ठीक कर दे बस, ये हमारे इमाम साहब भी तो बोले यार एक दिन वो कहा था राशिद भाई ने, मैंने कहा देखो राशिद भाई ने तो कहा था वो उनको जो मालूम थी उन्होंने बताया, ये आप कोई गलत जगह नहीं है ना, आपकी सेहत के लिए जो डॉक्टर मुनासिब समय समझेंगे तो आपको खाना पीना सब व्यवस्था अल्लाह का शुक्र है सब बढ़िया है, तो बहुत अल्लाह का बड़ा एहसान है, खाना पीना सही मिल रहा है और हमें भी सही जो बात है, और फिर दूसरी बात कोई सब साथी अपने खुश है, क्योंकि कोई परेशानी नहीं है कोई तकलीफ नहीं है, ठीक भाई जान ठीक है ओके हाँ ठीक है मोनिश जी कौन, अरे दरोगा जी बोल रहा हूँ राजकुमार। अच्छा नमस्कार साहब, मैंने तो आपको फोन किया था सर। अब कैसे हो कहाँ हो तुम सर? फर्स्ट क्लास है, आप साहब से बात हुई थी, मैं तो यही हूँ MIT का। MIT में तुम्हारी तो रिपोर्ट निगेटिव आई लिखा है। जी 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 आप कहो तो मैं सेंड कर दूं आपको। ना सेंड करने की जरूरत ना है, कैसी सुविधा MIT की ठीक है? अरे बहुत बढ़िया है सर जी, ये उल्लू के पट्टे पता नहीं कौन से ऐसे लोग हैं जो वीडियो बना बना के सेंड कर रहा है, कह रहा है हमें खाना नहीं मिल गया और पीना नहीं मिल गया, अपने बाप तो घर भी नहीं मिलेगा, ऐसा खाना देते हैं मिल गया बेहतरीन। अरे तो फिर आदमी क्यों कर रहे हैं यार? अब भाई साहब मैंने तो अपनी पूरी बस्ती को ये बताया, सारे लड़कों को बताया, अपने घर वालों को ये बताया कि देखो कोई किसी तरीके की अफवाह में मत आना, यहाँ पे हमारा सुबह को हमें डेली मक्खन मिलता है, डेली खाना, अरे खाना पीना नूडल वगैरह मक्खन वगैरह सब मिलता जी बेहतरीन। फिर किस समय मिलता है? ये सुबह में 9 बजे आ जाता है हमारे पास, 8:30-9 बजे तक, दोपहर का खाना आ जाता है 1 बजे तक, अरे शाम का खाना 7 बजे तक। अच्छा। कभी कभी देखिए इंसान है और घर में भी देर हो जाती है, कभी कभी तो घर में तो 5-7 मिनट की देर है, 1-2 घंटा कभी हो जाती है, वो तो हो ही जाती है। तो आप दरोगा जी यकीन मानिए राजकुमार साहब,
मैं तो वीडियो वायरल करने वाला था यहाँ से, एक तो कर दो इस यार संबंध में, अगर जो आपने सही। मैंने ये सोच रहा था, मैंने कहा यार इन लोगों में ये सूचना दूं, जो लोग नवाबपुरे का तो हाल इतना गंदा कर रखा, भैया 1 साल हो गया मुझे, तुम इतना ये बुरा देखो कर रहे मोनिश हो। भाई, जब ये हुआ हम तो लोगों को समझा समझा कर, अपने दो निकल के पॉजिटिव, और उनके घर में पता नहीं कैसे होंगे, कितने और ये होंगे। सही सही बात है। जी अब ऐसा नहीं करना चाहिए, अब वो अफवाह उड़ा रहे हैं। तो रात के 3 उसने वीडियो डाली हरामजादे ने, वो चांद वाली मस्जिद से आया कोई मगरपुरा चांद थाने से, वाला, हाँ उसने वीडियो डाली था, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो 3 बजे मुझे जनाब में मुझे उठा के लिया है, मेरे बच्चों को भी लिया है, पॉजिटिव कोई पाया गया, मेरा भाई जमात में गया था, अब तो तू गया था। मैं ये कह रहा हूँ कि रात के 3 बजे ऐसे लॉकडाउन में तू अपने घर में दूध लिया होगा कहीं से? राजकुमार जी मैं आपसे पूछता हूँ, रात के 3 बजे कहीं कोई नहीं आपने ना, दूध ना ना लिया होगा? तू कोई नहीं, डायरेक्ट हॉस्पिटलाइज है, तू वहां पे कोरोना मरीज का उसमें वो पाया गया है, और तू अपनी बच्ची के लिए रात के 3 बजे घर उठ के दूध कहाँ से दे देगा वो सही। तुझे? और कौन दुकानदार खोल देगा? और कौन खोल लेगा? तूने 3 बजे रात के वीडियो बना के तूने जी जी कौम को अपनी गुमराह कर लिया यार, बहुत गलत बात है ये। जी हमारी जी बस्ती तो भाई साहब बहुत बढ़िया है, हमारी बस्ती तो चीख चीख के कह नहीं, रही थी तेरी मोनिश तेरी से बस्ती तो फोन कह आया रही, अरे लेकिन तेरी बस्ती वाले रुक तो नहीं रहे, मैं तो अंदर नहीं बैठ रहे ना। मुझे यहाँ से निकलने तो दो अंकल जी, आप राजकुमार जी देखो तुम यहाँ से अच्छा निकलो, मैं इनको वो मैसेज दूंगा, सालों को याद ही रखेंगे, कभी अगर जिंदगी के अपने बच्चों से प्यार होगा ना तो सड़क पर नहीं दिखाई देंगे। मैं तो ऐसा कुछ वो उठा करूंगा ली इनके बोलते साथ। हैं। अच्छा, वैसे सब ठीक है? हाँ जी राजकुमार जी बहुत बढ़िया बहुत अच्छा, मैं अच्छा ही हुआ यहाँ पे भाई आ गया। और आप लोग सुनाओ, आप लोग ठीक हो हाँ, हम बैठ गया यहाँ अंदर पर, भैया? अपना बहुत ध्यान रखना, आप लोग और सारा हाथ ख्याल धो रखना, पहन रखना, क्योंकि हाथ धो के आप पता किसके वहां से आए हो। हाँ समझा, आप लोग अपना बहुत ध्यान रखना भाई, जगह जगह जा रहे हो, पता नहीं किस किस से मिल रहे हो, बहुत ध्यान रखना अपना ठीक है भैया, सब हाँ लोग। रखेंगे। चलो इस बार हाँ भाई मैसेज दो यार, जब सब कुछ ठीक है तो फिर देखो, साले क्यों कर रहे हैं ऐसा? नहीं नहीं मैं करता हूँ ये मैसेज, अभी असल में मैं यहाँ से निकल जाऊँ उसके बाद मैं वीडियो वायरल करता हूँ, यहाँ से निकलने से पहले ये। हाँ जब सब कुछ अच्छे तरीके से रह रहे हैं, वो कर रहे, हाँ खाना पीना मिल रहा है सब ठीक। नहीं नहीं करता हूँ मैं वीडियो वायरल। ओके ओके भैया, ओके ओके सर, ओके ओके, भैया, नमस्ते सर। घटना क्या थी? एक सरदार जो मर गया कोरोना पॉजिटिव पेशेंट, उसके परिवार को मिला था, बस फर्स्ट कांटेक्ट जो थे उसके परिवार में, उसकी पत्नी और बड़े बेटे को तो कल लाया गया था, लेकिन उसके दो बेटे और उसी घर में उसका छोटा भाई इमरान रहता है, और बराबर वाले बाहर सड़क पे घर पे उसका भतीजा दाऊद रहता है, दाऊद ने चूंकि उसको कंधा भी दिया था। तो लिहाजा एक 4 व्यक्ति ऐसे थे जो जिनको हमें लाना था, इन सबसे हमारी बात हो गई थी पहले, और इससे पहले पुलिस से भी उनकी बात हो चुकी थी पहले दिन कल मत, तो वो सब तैयार थे आराम से आने, कोई परेशानी हुई नहीं उसे। लेकिन जब वो आन के बैठने लगे, पहले दाऊद आया, फिर दोनों उसके बेटे आए सत्ताईस के, फिर सबके अंदर इमरान आया, लेकिन धीरे धीरे ऐसा पहली बार देखने को मिला कि भीड़ इकट्ठी होने लगी। पर ये चर्चा है कि कुछ नहीं करते, खाना नहीं देते हैं, पानी नहीं देते हैं, भूखा मार देते हैं, और ऐसा करते हैं, जांच भी नहीं कर रहे हैं, और ये सब तो हम लोग समझा रहे थे पब्लिक को कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपको शायद बड़े बड़े हम लोगों ने बहुत सारे वीडियो देखे हैं, यूट्यूब पर बहुत आ रहा है कि कुछ खाने को नहीं देते हैं, मार देते हैं, भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, एक ही व्यक्ति मरा है वो भी अस्पताल में मरा, और सरताज की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी तभी उसकी डेथ हुई। बस इतना ही हमने अभी बात करी होगी, वो चारों लोग बैठ गए, मिला इसमें हम चलने ही वाले थे, इतनी देर में वो सो गए कि मारो 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 मारो, तो वो चारों लोग उतर के भाग गए, केवल मैं नीचे रह गया, और मैं और मेरे साथ दो फार्मासिस्ट भी थे, एक फार्मासिस्ट तो चूँकि डाउट एडमिट था, एक फार्मासिस्ट तो मैं एडमिट में था, तो बस मारो मारो मारो, और एकदम एम्बुलेंस वाले को मारा, एम्बुलेंस वाले ने गाड़ी लगाई, उन्होंने शीशे नीचे काफ़ी तोड़ दी, तो एक फार्मासिस्ट एम्बुलेंस भी चला गया, एक चूँकि खाली सिविल ड्रेस में था तो वो चुपचाप निकल के चुपचाप से चला गया, मैं ही फंस गया। कितने लोग घायल हुए सर इसमें? दो, मैं और ये और एक कतरपाल सिंह है, उसको थोड़ी चोट आई। तो पुलिस कितनी थी सर आप लोगों के साथ? हमारे कुछ 7-8 कांस्टेबल, मतलब 7-8 लोग थे। तो उन लोगों ने आपको बचाया नहीं? वो लोग चूंकि भीड़ जब आगे की तरफ को काफ़ी इकट्ठा हो रही और वो हजुम होने लगा, तो वो लोग समझाने के लिए उधर उन सबको चले गए ताकि हजुम बहुत ज़्यादा ना हो, बट इतनी देर में इधर पथराव हो गया, मतलब पथराव और मारती हुई तबेरे तो चौकान के नीचे लगा हुआ। फिर सर आप लोग बचे कैसे? बस सर भागने, सिर्फ भाग रहे थे, भागते हुए पिट रहे थे, भाग रहा था, मैं ही अकेला था, बाकी तो लोग चुके जा चुके थे, बस जब मेरे को मैं आखिरी बार गिरा तो मुझे किसी बुजुर्ग ने उठाया होगा, तो मुझे बुजुर्ग ही दिख रहे थे, ये लोग आपको मार देंगे, आपको चलिए मैं नहीं चलता। कितने टाँके सर आपको लगे?
कल शायद 2-3 रह गए, मेरे को पता नहीं, उसको लिख के अभी होंगे सब कम से कम 1000-2000 आदमी तो बहुत से कम नहीं होंगे, लेकिन गिनती नहीं होती, अंदाना नहीं होता इतना, लेकिन हाँ कम से कम इतना लोग होंगे, चारों तरफ से घेर रखा था चारों तरफ। वो रिकॉर्ड नहीं हुआ जी, लोग हैं उन पर फ़ोन से बातचीत की जा रही है, उनका हालचाल लिया जा रहा है, क्या कारण है कि फ़ोन पर बातचीत कर की जा रही है और सोशल मीडिया पे वो चीज़ें भेजी जा रही हैं? ये थाना पुलिस और स्थानीय पुलिस द्वारा लगातार जो लोग क्वारंटाइन किए गए हैं, जिसको क्वारंटाइन किया जाना है, उनसे लगातार बातचीत संपर्क बना रहता है कि उनकी खैरियत कैसी है, ताकि जो उनके घर वाले हों उनको भी सही सूचना मिलती रहे। कुछ लोगों द्वारा या अफवाह फैलाने की भी कोशिश की जाती है कि गलत चीज़ें बताई जा रही है कि क्वारंटाइन सेंटर में कुछ चीज़ों की कमी है, बट लेकिन ऐसे कुछ नहीं है। जो उन लोगों से फीडबैक भी लिया गया, सभी लोग वहां पे बता रहे हैं कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में सुख सुविधा प्राप्त है, खाने का सामान भी सब कुछ पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, रहने की कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा डीएम मुरादाबाद द्वारा भी एक नंबर जारी किया गया है 94-54-41-6867, जिस पे किसी को कोई फीडबैक देना है या कोई समस्या है या कोई प्रश्न है तो उस पे डायरेक्ट कॉल करके बता सकते हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.